हूती पर हमले के बाद ईरान का बड़ा कदम। ईरान ने बॉर्डर पर मिसाइल और ड्रोन तैनात किए हैं। अमेरिकी आक्रमण को देखते हुए ईरान का ये फैसला, ईरान पर भी हमला कर सकती है अमेरिकी सेना। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर मिसाइल हमले करके एक बड़ी जंग का मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ये जंग किसी देश से नहीं बल्कि एक मिलिटेंट संगठन से लड़ रहे हैं और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिटेंट ग्रुप में से एक है। हूती की शक्ति की तुलना किसी छोटे से अफ्रीकी देश से की जाए तो वो उससे ज्यादा ताकतवर है। हूती क्लाश्निकोव राइफल से जंग लड़ने वाले संगठन से एडवांस और फ्यूचर वेपन्स रखने वाला संगठन बन चुका है। MI6 की रिपोर्ट है कि हूती का प्लान अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत पर हमले करने का है और इसके लिए उसने अंडरवाटर हथियारों की बड़ी खेप तैयार कर ली है। और 13 जनवरी लगातार दो दिन से यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका सहित 6 सहयोगी देशों के हमले जारी। ২০১৫ में सऊदी अरब से जंग के बाद यह हूती के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है जिसमें इस संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और ब्रिटेन को इन हमलों का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। अल-मौत लिअमरीका, अल-मौत लिइस्राइल। और हूती की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्लाह का आदेश है कि जो तुम्हारे ऊपर हमला करे उसके ऊपर उसी तरह पलटवार करो। हम जमीन और सागर दोनों जगह मौजूद खतरे को खत्म कर देंगे। हूती ने स्पष्ट कर दिया है कि साइप्रस की जमीन से उड़े ब्रिटेन के फाइटर जेट हों या फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना का बेड़ा, सब उसके टारगेट पर है। हूती के प्रतिशोध की शुरुआत हो चुकी है। हूती ने 12 जनवरी की रात को लाल सागर से अदन की खाड़ी में पहुंचे एक तेल टैंकर जहाज पर मिसाइल हमला किया। हूती के मुताबिक ये जहाज यूके की शिपिंग कंपनी का था। जिस वक्त जहाज पर हमला किया गया ये यमन से 165 किलोमीटर दूर था। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जाएगा। हूती असॉल्ट राइफलों से जंग लड़ने वाला संगठन नहीं है बल्कि उसके पास आज के दौर के आधुनिक हथियार हैं, सैन्य वाहन हैं, मिसाइलें हैं। हूती की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यमन सरकार से ज्यादा क्षेत्र उसके कब्जे में है और सरकार भी उसके सामने कमजोर है। ये यमन के पोर्ट है, इनमें से मीदी, अल सलीफ, हुदैदा और अदन पोर्ट हूती के कब्जे में है। जहां जहां हूती के झंडे हैं वो सभी हूती के कब्जे वाले पोर्ट हैं और जहां लाल निशान लगे हैं वो यमन सरकार के नियंत्रण वाले पोर्ट हैं। ১৯৯০ के दशक की शुरुआत में जब हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती ने इस संगठन की शुरुआत की तब उसके पास हथियारों की कमी थी, लेकिन यमन की सुन्नी सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बाद ईरान से हूती को मदद मिलने लगी।
उसके बाद होती की ताकत में इजाफा होता गया और आज उसके जखीरे में एक देश की सेना जैसे घातक हथियार हैं और इन्हीं हथियारों से वो अमेरिका और ब्रिटेन के लाल सागर बेड़े पर हमले की तैयारी कर चुका है। होती संगठन के बारे में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि होती लाल सागर में अमेरिकी बेड़े पर अंडरवाटर ड्रोन हमला करने की तैयारी में है। इसके साथ ही अमेरिकी बेड़े पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने के भी प्लान है। साइप्रस में ब्रिटेन के अक्रोतीरी एयरबेस पर कोरेला हमले की तैयारी हो रही है। होती के पास लॉन्ग रेंज की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली NCR में जबरदस्त कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ठंड की वजह से तापमान में भारी गिरावट, कोहरे और ठंड से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली NCR में खास करके ठंड की वजह से लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ है और ऊपर से कोहरे ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ठंड और कोहरे की वजह से इस वक्त मुसीबतों का सामना कर रहे हैं दिल्ली NCR के लोग। विजिबिलिटी बेहद कम है, कई जगहों पर तो 10 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, पहली तस्वीर दिल्ली की आप देखेंगे, जहां पर रविवार की रात पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया और घने कोहरे की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई। आज दिल्ली NCR में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं देश के अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को आप देखकर बाकी शहरों के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। घने कोहरे की वजह से लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर दिन में ही चलने के लिए मजबूर है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के कोई आसार नहीं है। दिल्ली की सर्दी रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रही है। कड़ाके की सर्दी इन दिनों पड़ रही है, उसके साथ ही साथ फॉग भी काफी घना हो रहा है। तो इस वक्त मैं दिखा रही हूँ तस्वीरें आपको, मैं सराय कालेखा के फ्लाईओवर पे हूँ, नीचे NH 24 पे देखिए किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं और सबको अपने गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। फॉग की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे NH 24 हाईवे है और यहाँ से देखिए लोग कैसे आ रहे हैं, कितनी धीरे धीरे गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि फॉग इतना ज्यादा है। और अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताती हूँ कि क्या मौसम विभाग की तरफ से पालम में 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है, तो ये स्थिति है आज की दिल्ली की कोहरे की। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप खास ख्याल रखें। ये देखिएगा तस्वीरों में आप देखिएगा बिल्कुल भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये मैं NH 24 का आपको दिखा रही हूँ तस्वीर जो है, तो ये स्थिति पालम में 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड की है। कोहरे की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है और रफ्तार बहुत ही सुस्त है गाड़ियों की। और ये जो गाड़ियों की रफ्तार अगर ऐसी है तो सोचिए कि ट्रेनों की रफ्तार की क्या स्थिति होगी। ट्रेन इसीलिए तमाम ट्रेन जो है वो लेट हो रही हैं और बहुत से फ्लाइट जो है वो कैंसिल भी हो रही हैं और लेट भी हो रही हैं। तो ये सड़क से जा रहे हो आप या हवाई मार्ग से जा रहे हो, सभी जगह हालात बहुत खराब हैं। और देखिए, दिल्ली के अक्षरधाम से इस वक्त शालिनी वाजपेयी आपको लाइव नजर आ रही। शालिनी, जरा बताइए क्या हालात है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जो कोहरा है वो इस कदर है कि पास तक देखना बहुत मुश्किल है, ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही है, कितनी मुश्किलें हो रही। देखिए करुणा, मैं आपको बताऊं कल जो है वो उत्तर भारत में सबसे ठंडा जो है वो दिल्ली का टेम्परेचर था और सबसे ज्यादा ठंडा दिल्ली रिकॉर्ड किया गया। और आज मैं आपको कोहरा भी दिखा रही हूँ, कोहरा कितना ज्यादा है। मैं अक्षरधाम पर हूँ और यहाँ से देखिएगा आप बिल्कुल भी जो गाड़ियाँ नीचे से निकल रही हैं उसको देखिएगा, कितनी मुश्किल से लोग निकल पा रहे हैं सड़कों पर, बहुत दिक्कत हो रही है। इसीलिए मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट भी जारी किया कि आप सड़कों पर चलते हुए किन बातों का ध्यान रखें। देखिए गाड़ियों की रफ्तार कितनी कम है, बहुत धीरे गाड़ियाँ जा रही है। उसके अलावा कल
3 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया दिल्ली का, जो कि इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। कुछ यही रिकॉर्ड आज भी बनने जा रहा है और इस सीजन में सबसे कम विजिबिलिटी, सबसे लंबी देर तक 0 विजिबिलिटी का रिकॉर्ड भी आज दर्ज किया गया। वो सफदरजंग और पालम में सुबह 7 बजे तक 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। तो कहेंगे कि सब काफी देर तक जो घना कोहरे का जो रिकॉर्ड है वो भी आज है और सर्दी का जो रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा सर्दी सबसे कम न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी बनाया है दिल्ली ने। तो कहेंगे कि ये जो रिकॉर्ड है ये थोड़ा मुश्किलों वाला रिकॉर्ड है, क्योंकि आम लोगों को इससे काफी परेशानियां हो रही हैं। चाहे आप ट्रेन से जा रहे हों, चाहे आप अपनी गाड़ी से जा रहे हों, चाहे आप फ्लाइट से जा रहे हों, सभी जगह आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले इस पूरे हफ्ते तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग ने कहा है फिलहाल कोई राहत इस हफ्ते मिलने वाली नहीं है, तो आपको ये परेशानियां पूरे हफ्ते तक झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आप अभी से इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो ये हफ्ता है यानी अगले एक हफ्ते तक ये हालात बने रह सकते हैं। ठंड और कोहरे का जो डबल अटैक है, दोहरी मार है, वो दिल्ली NCR वासियों को झेलनी पड़ सकती है। ये भी आपने जो अपडेट दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भारत ही नहीं, अमेरिका के कई हिस्से इस वक्त भारी बर्फबारी से जूझ रहे हैं। बर्फीले तूफान की वजह से आयोवा में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अमेरिका के आयोवा, मोंटाना, ओरेगोन, नॉर्थ डकोटा और कैलिफोर्निया समेत कई राज्य बर्फीले तूफान की वजह से भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित हैं। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। कई जगह तो तापमान 0 से 46 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किए गए। मौजूदा हालात को देखते हुए न्यूयॉर्क से लुइसियाना तक के गवर्नरों ने भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है। बावजूद इसके सेंट लुइस में बर्फबारी में लोग स्की का मजा लेते नजर आए। यहाँ सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। एक और बड़ी खबर है, राहुल गांधी मणिपुर के लिए निकल गए हैं। राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो देखिए, आज राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही होनी है, इसलिए मणिपुर के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं मणिपुर से। आज 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी, जो कि 22 मार्च तक चलने वाली है और मणिपुर को ही चुना है यात्रा शुरू करने के लिए राहुल गांधी ने। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर जहां पर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। आज दोपहर 12 बजे ये यात्रा थोबल जिले के खांगसोम से शुरू होगी। 66 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड समेत देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल 6,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे और जगह जगह रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। और वहीं राहुल गांधी की नई यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वार पलटवार भी देखने को मिला। रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत बताया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस शासन में हुए अन्याय को याद दिलाया। राहुल जी ने बार बार कहा था ये एक वैचारिक यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा के समय, और उसी श्रृंखला में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चल रहा, आगे बढ़ा रहा। 47 में भारत को तोड़ा। इधर अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। उनको न्योता मिल गया है और उन्होंने श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को अपना जवाब भी भेज दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्योता मिलने की जानकारी देते हुए श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को धन्यवाद भेजा है और बताया कि वो 22 जनवरी के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। अपने ट्विटर पर चंपत राय को लिखे पत्र को अखिलेश ने शेयर किया है। इसमें कहा है कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद और समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश ने आगे लिखा कि हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शन के लिए अयोध्या जरूर आएंगे। तो जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय पर बीजेपी ने पलटवार किया।
टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए भगवान राम को गरीबी रेखा से नीचे बता दिया। राय के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने टीएमसी की मानसिकता को हिंदू विरोधी बताया है। देखिए, जिसका जो भी मुख्यमंत्री को बाबर का वोट चाहिए और राम मंदिर में नहीं जाएगा। आगरा में विश्व की सबसे भारी विराट रामायण तैयार हो रही है। इस रामायण का वजन 3000 किलोग्राम होगा। अब तक आपने ऐसी रामायण नहीं देखी होगी। ये रामायण 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी होगी। इसकी खासियत है कि स्टील के पन्नों पर दोहे और तस्वीरों को उकेरा गया है जो हमेशा के लिए सुरक्षित होगी। दुनिया की सबसे भारी विराट रामायण को श्री कृष्णा ग्रंथालय धरोहर संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है। 9 फुट बाई 5 फुट की एक रामायण बनाने जा रहे हैं जिसका वजन 3000 किलो करीब होगा और जिसकी हाइट 9 फुट और उसकी चौड़ाई 5 फुट होगी। इधर बिहार के हर धार्मिक स्थल से गंगा जल समेत कई उपहार लेकर मोतिहारी से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। बिहार के लोगों ने राम के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। भगवान श्री राम के लिए सोने चांदी के आभूषण के साथ मेवा मिष्ठान फल और एक साल के लिए अन्न भेजा गया है। प्रभु श्री राम के ससुराल जनकपुर के पुनौरा धाम से अयोध्या के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ निकली सनेश यात्रा में मिथिलांचल के लोग भी पहुंचे। चकिया स्थित सेमरा गांव समेत कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। बिहार से 3 दिनों की इस विशाल रथ यात्रा में 750 गाड़ी शामिल थी। करीब 2000 लोगों की इस रथ यात्रा को अयोध्या रथ यात्रा नाम दिया गया। न्याय यात्रा के लिए दिल्ली के अपने घर से निकले राहुल गांधी। मणिपुर से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दिखाएंगे हरी झंडी। 20 मार्च तक चलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 66 दिनों में 15 राज्यों से गुजरते हुए 6700 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केसी वेणुगोपाल ने कहा, नाम से झलकता है यात्रा का संदेश। न्याय यात्रा पर जयराम रमेश ने कहा, यह चुनावी नहीं वैचारिक यात्रा है। देश में आज लोकतंत्र कम और एकतंत्र ज्यादा। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के लिए खड़गे के नाम पर सहमति। सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी। इंडिया गठबंधन में संयोजक पद पर फंसा पेश। सोर्सेस के मुताबिक नीतीश ने संयोजक बनने से इंकार किया, कहा कांग्रेस से ही बने संयोजक। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद सीपीएम नेता डी राजा ने कहा, सभी चाहते हैं नीतीश कुमार बने संयोजक। शरद पवार ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व देने पर सभी सहमत हैं, सीट बंटवारे पर बहुत जल्द फैसला होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश को कांग्रेस ने जानबूझकर बेइज्जत किया, गठबंधन नहीं चाहता नीतीश पीएम बने। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर तंज करते हुए उनकी तरफ से हमला, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हमले। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक डिपो में लगी भीषण आग, 70,000 वर्ग मीटर में फैली लपटे। मौके पर पहुंची दमकल की 5 दर्जन गाड़ियां। पश्चिमी कोलंबिया में हुए लैंडस्लाइड में 33 लोगों की मौत हो गई और करीब 35 लोग घायल हो गए। लापता लोगों की तलाश जारी। पूरे अमेरिका में ठंड का बढ़ा प्रकोप। मोन्टाना के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से 34 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। अमेरिका में ओरेगॉन से उत्तरी मैदानी इलाकों में बर्फीले तूफान और मध्य अटलांटिक में बाढ़ की चेतावनी जारी। ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव पर बाइडेन ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने दिए संकेत, मई में ताइवान का दौरा कर सकता है अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल। दक्षिण अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव शुरू, रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया सैंटियागो का आसमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मॉरिशस में तैयारियां शुरू, अयोध्या आ सकते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीयों ने निकाली रैली। रैली में 350 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हुई। विश्व हिंदू परिषद की अमेरिकी शाखा ने मैरीलैंड में आयोजित किया म्यूजिकल लाइट शो, जय श्री राम के लगाए नारे। सीट बंटवारों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। राहुल गांधी, खड़गे, सीएम केजरीवाल और राघव चड्ढा मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देशभर के मंदिरों में आज से स्वच्छता अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल मनाएंगे पीएम। कामराज लेन पर स्थित आवास पर कार्यक्रम आयोजित होगा। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, यूपी की सभी सीटें जीतेंगे, मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का संकल्प। पुरुलिया कांड को लेकर अधीर रंजन का ममता पर निशाना, कहा टीएमसी जब तक सत्ता में रहेगी हालात बदतर रहेंगे।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजी चिट्ठी, सोर्सेस के मुताबिक पेशी को लेकर 20 जनवरी तक जवाब मांगा है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने पर अखिलेश यादव ने जताया आभार, कहा प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार दर्शन करने जाऊंगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, समारोह में उपस्थित होंगे तीनों नेता। न्योता ठुकराने पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के डीएनए में है हिंदू विरोधी परंपरा। भगवान राम पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा रामराज की कल्पना संविधान में निहित है, राम को काल्पनिक बताना पीड़ादायक। इमरान खान को बड़ा झटका, संसदीय चुनाव से बाहर हुई पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को बहाल किया। अब स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार, पीटीआई नेता बोले समीक्षा याचिका के लिए कानूनी टीम को शामिल करेगी पार्टी। सैयद बुखारी ने किया ट्वीट, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ कि पिछले 2 सालों से जो हम कह रहे हैं वो सही और सत्य है। इसराइल हमास जंग का 100वां दिन है, गाजा के 36 अस्पतालों में से अब भी सिर्फ 15 आंशिक रूप से कार्यरत। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने आलोचकों पर साधा निशाना, संघर्ष को ईरान के नेतृत्व वाली बुराई की धुरी के खिलाफ जंग बताया। गाजा पट्टी में इसराइल की बमबारी में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,800 से ज्यादा हुई। खान यूनिस में अलकसाम ब्रिगेड और कब्जे वाली सेना के साथ लड़ाई जारी, अलकसाम ब्रिगेड ने जारी किए फुटेज। यमन में हुती ठिकानों पर हमलों में हुए नुकसान को लेकर सैटेलाइट तस्वीर आई सामने, होदे ईदा हवाई क्षेत्र में आश्रय स्थल तबाह दिखा। एर्दोगन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर जताया विश्वास, इसराइल की निंदा करने वाले दस्तावेज तुर्की ने सौंपे। हुती ने दी बड़ी चेतावनी, यमन पर बमबारी के लिए अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर हमला करेंगे। भगवान राम पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का विवादित बयान, कहा बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे राम। सीएम हेमंता बिस्वा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने जीवन भर पाप किया, उसे राम के पास आना अच्छा नहीं लगता। ट्रिस्ट विद द अयोध्या पुस्तक के विमोचन में राजनाथ सिंह ने कहा सांस्कृतिक का पुनर्जागरण का प्रतीक है राम मंदिर। शंकराचार्य पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म को लेकर अपना योगदान बताया शंकराचार्य। मुंबई में उत्तर भारतीय सम्मेलन में शिवपाल यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की वजह से देश का माहौल बिगड़ा। भगवान राम की चरण पादुका श्रीलंका से उज्जैन पहुंच गई है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या राम मंदिर में होगी स्थापना। अयोध्या में 14 लाख रंगीन दीयों को जगमग हुआ भगवान राम का विशाल चित्र, मोज़ेक कलाकार अनिल कुमार ने तैयार किया है पोर्ट्रेट। आगरा में तैयार हुई स्टील के पन्नों पर लिखी रामायण, 3,000 किलो स्टील से तैयार हुई है रामायण। देशभर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की धूम है, बेंगलुरु में कलाकार ने बनाई भगवान राम की विशाल रंगोली। आगरा के दो दोस्तों ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, उस्मान अली और प्रिंस शर्मा अयोध्या की पदयात्रा पर निकले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले हुती हमलों के बारे में अमेरिका ने ईरान को भेजा निजी संदेश, हम अच्छी तरह से तैयार। अलकसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया, हमले में हताहत हुए इजरायल के 4 सैनिक। तुर्की ने उत्तरी इराक में किए हवाई हमले, 29 ठिकानों को बनाया निशाना, पीकेके के 20 सदस्यों को मार डाला। यमन के लाल सागर के बंदरगाह शहर होदे ईदा पर हमला, पुलिस सूत्र ने हमले की पुष्टि की, स्पष्ट नहीं है कि हमला समुद्र से हुआ या हवा से। हुती ने अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देने का संकल्प लिया, हुती प्रवक्ता ने कहा हमारी क्षमता पर नहीं पड़ा कोई प्रभाव। हुती विद्रोहियों ने जारी किया वीडियो, हुती कमांडो को एक इमारत में प्रवेश करते और नेतन्याहू को पोस्टर को गोली मारते हुए दिखाया गया। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किए हवाई हमले, मिस अल जबल और काफर यारीन के इलाकों पर बम बरसाए। नसरुल्ला ने लेबनानी सीमा पर शतौला बस्ती में हमले का वीडियो ट्वीट किया, एक घर के अंदर इजरायली सैनिक को निशाना बनाया। इसराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन, नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर आज ईरान जाएंगे, दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार के सीतामढ़ी में उत्साह है, 101 गाड़ियों में भरकर अयोध्या भेजे गए उपहार। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा अयोध्या प्रशासन, श्रद्धालुओं के लिए टेंट में बनाए गए ओपीडी सेंटर। अयोध्या में जरूरी सुविधाओं को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, आज से शुरू होगी नगर बस सेवा, पिंक ऑटो भी चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन वाराणसी में मुफ्त रहेगी नाव यात्रा, निषाद समुदाय ने ऐलान किया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर चढ़ाई गई पीएम की भेजी गई चादर, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चढ़ाई चादर। पाकिस्तान से आज 250 लोगों का जत्था अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचेगा, गुरु धामों के दर्शन करेगा। चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चीन पहले सीमा पर तनाव को खत्म करे, फिर रिश्ते होंगे सामान्य। नवी मुंबई में बिल्डर की गोली मारकर हत्या, अपने दफ्तर में मृत पाया गया बिल्डर, शरीर पर कई गोलियों के निशान पाए गए। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा हत्याकांड में अभिजीत का साथी गिरफ्तार, शख्स पर हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया।
मुंबई के कांदिवली में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 1,18,00,000 रुपए की ड्रग्स बरामद, 2 गिरफ्तार किए गए। गाजा में कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। मंत्री बेनी गैंट्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सोमालिया में जहाज पर चढ़ते समय 2 अमेरिकी नौसैनिक समुद्र में गिरे। लापता सैनिकों की खोज के लिए अभियान शुरू। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला। पिछले 24 घंटे में हुए इजरायली सेना के हमलों में मारे गए गाजा के 135 लोग। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने बंदियों की रिहाई के लिए नए सिरे से बातचीत का आह्वान किया। बोले 3 फ्रांसीसी 3 महीने से ज्यादा समय से लापता। बलूचिस्तान के केस जिले में आईईडी विस्फोट, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी थे। बलूच कार्यकर्ता मेहरंग बलूच ने संयुक्त राष्ट्र में दायर की याचिका। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच का किया आग्रह। रूस का यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचों पर गोलाबारी जारी। राजधानी कीव में मेट्रो में रात गुजार रहे लोग। रूस ने यूक्रेन में रात भर में 40 मिसाइलों और ड्रोन से की बमबारी। यूक्रेन का कहना है कि 29 दिसंबर के बाद से चौथा बड़ा हमला है। जर्मनी के म्यूनिख में यूक्रेन के समर्थन में उतरे लोग। यूक्रेनी लोगों के खिलाफ रूस के बर्बर हमले के विरोध में निकाली रैली। न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम जैकिंडा ने क्लार्क गेफोर्ड से की शादी। मई 2019 में सगाई ही हुई थी, 2022 में शादी होनी थी लेकिन कोविड के कारण समारोह रद्द कर दिया गया था। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के सर्च ऑपरेशन में कामयाबी। संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों को न्यायिक हिरासत, 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी 6 आरोपी। मुंबई के कांदिवली में बच्चा चोर महिला गिरफ्तार। सीसीटीवी के जरिए हुई थी महिला की पहचान। नवी मुंबई में चेन स्नैचर गैंग का आतंक। महिला के गले से खींचा मंगलसूत्र, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण हादसा हो गया। कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 2 लोगों की मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 11 साल के बच्चे की मौत। खेलने के दौरान बिजली का करंट लगने की वजह से मौत हो गई। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में ट्रक का स्टीयरिंग व्हील टूटा। बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर जा चढ़ा। रामेश्वरम के रामनाथपुरम में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 गाड़ियों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। ठाणे के डोंबिवली में रिहायशी अपार्टमेंट में आग से अफरातफरी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के वलसाड में पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई। धुएं के गुबार से भर गया पूरा इलाका। लाखों का सामान जलकर खाक। नोएडा के सेक्टर 11 के रिहायशी सोसाइटी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देश भर में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। डीजे की धुन पर झूमे लोग। मूंगफली रेबड़ी बांटकर मनाया जश्न। अमृतसर में भी धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का उत्सव। अग्नि परिक्रमा के साथ लोगों ने जमकर किया डांस। शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के आवास पर मनाई गई लोहड़ी। पारंपरिक गीतों पर नाचते दिखे जयराम ठाकुर। रामेश्वरम के रामनाथपुरम में पोंगल उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। मंदिरों में पूजा अर्चना की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में शीतलहर का बड़ा प्रकोप। कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण कोहरे का कहर। घने कोहरे से रेल यातायात प्रभावित। 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट। मुंबई में अभिनेता आमिर खान की बेटी आयरा का हुआ रिसेप्शन। सीएम शिंदे, मुकेश अंबानी, शाहरुख समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं।